वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बमोतरा ब्लॉग्स में। दोस्तों रात को बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे हम, गोवा से मुंबई पहुंचे तकरीबन ढाई बजे और हमारा होटल बहुत दूर था, तो हमने फैसला किया हम रात को ही चले जाएं शिरडी। शिरडी के दर्शन किए, वहाँ पे कैमरा था, इतना थक गया कि वीडियो शूट नहीं कर पाए, ऐसे एक दो शॉट ही लिया और मुंबई घूमे। आज हम आपको घुमाएंगे बट एसल वर्ल्ड की वीडियोस बताएंगे, तो अभी हम जा रहे हैं एसल वर्ल्ड के लिए, तो देखिए बने रहेगा इस वीडियो में लास्ट तक। आज आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी देखने को, अलग अलग झूले, कितने सारे एडवेंचर्स स्पोर्ट्स हैं यार, देखना यार जितना हो सका, मैंने उतनी वीडियो रिकॉर्ड करी है, बने रहेगा लास्ट तक देखिए। बहुत ज़्यादा फर्क था, बट जैसे ही अपनी स्पीड पकड़ी पूरा दिल मुँह को आते हुए देखिए, अभी पूरा दिल मुँह को आ गया और देखो अभी स्टार्ट कर देगी ये थोड़ा थोड़ा रोना, अगर बताया दोस्तों और मिट्टू भाई तो बिल्कुल की तरह बनती है। और दोस्तों ये झूला मैंने लिया, ये इसकी हाइट 350 फीट के नियर अबाउट थी, 350 फीट, तो बड़ा इंजॉय, बड़ा एडवेंचर स्पोर्ट था। तो पूरी वीडियो देखो दोस्तों, लाइक करो शेयर करो, बहुत मजा आता है यार वीडियो बनाने में। तो क्या आपके राय आपको मुंबई दर्शन करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं था मुंबई जितना हो सके हमने एक्सप्लोर करा दो दिन में, और यार बड़ा ही मज़ा आया, बहुत सारी राइड्स की। रिकमेंडेड प्लेस है एसल वर्ल्ड अगर आप फैमिली के लिए जाओगे। हाँ वहाँ पे ट्यूसडे को थोड़ा चीप रहता है हमारा, ट्यूजडे में दोस्तों ये जो झूला है ना ये टॉप में जो खतरनाक है ना झूला, ये ऊपर से जाके ये स्पिन मारता ना ये थोड़ी सी, वो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि दिल होना चाहिए झूले में बैठने के लिए, ऊपर से यार 5-10 स्पिन मार के आता है दोस्तों। यार इंजॉय बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हम लोगों ने, यहाँ पे पूरा एक दिन स्पेंड किया और इतनी ज़्यादा टैनिंग होगी ना हमें धूप में, और जब हम घर आए तो हमारी स्किन ही निकल रही थी, बड़ा मज़ा आया। बस दोस्तों बड़ा ही इंजॉय किया यार दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया हमने। तो यार आपके लिए इतनी ज़्यादा दूर से आप आते हैं, हम आपको ऑफर नहीं था मेरे पास, बट इतना हो कवर करने की कोशिश की है, घर पर आपको बताया था घर पर ही रह गया, तभी तो ये मस्ती का एक माहौल था, तो हम अपने ही मर्जी मस्त मस्ती शूट कर रहे थे, इंजॉय करने गए थे, इंजॉय कर रहे थे और चीको शहर के बीच में क्या मजा आया। आप इंजॉय आप अपने घर के साथ आए, इंजॉय करो यार, एक अलग ही मतलब होता है, बस यार जिंदगी में क्या लेके जाओगे, आप खुद ऐश करो घर वालों का, मस्त रहो तंदुरुस्त रहो। तो यार ये मैंने ना 90 डिग्री में रोटेट हो, 90 डिग्री राइट लिख गया, ओह उस समय ऊपर नीचे जाएगा,
मोबाइल और देखिए हम मोबाइल आगे निकाल नहीं सकते। वो ये मैडम को मैंने धोखे के साथ 360 वाले झूले में ले गया, वो यार उसके बाद तो ये बंद ले गया वो फोटो कट मार लेना बाद में आगे आगे मार कट। हाँ सीधा रख हाँ सामने देख सीधा हाँ कट मार आगे सेंटर आगे कट मार 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 जान दे जान सीधा कर जान दे जान दे जान दे कट कट मार ये दूसरा रिकॉर्ड किया ये हमने लिया था वाटर कपड़े सारे भीग चुके थे इसके बाद मज़ा आ गया बच्चे बाइक पे क्या एडवेंचर पानी की वाकई ये मिठू ले रही है जंगल सफारी होती थी और ट्रेन में बैठ मजे से जंगल सफारी घूम रही है और हमें कुछ भी नहीं दिए देखिए अभी आएगी 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 आगे 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 हाय मिठू मिठू देखो मिठू ऐसे बैठी जैसे भूत बैठा होता ना कोई एक बार और रहा क्या है एक बार और ला दे थी ये हमारा नेक्स्ट हमने लिया है आपको रोलर कोस्टर दोस्तों मैं अकेला बैठा हूँ और मज़ा ये मैडम जी कॉल कर रहे हैं और मैं अकेला बैठा हूँ। अच्छा मैं और आप बैठे ये कुछ है नहीं ये दूसरा वाला है मैं ही बैठा हूँ मज़ा ही आ गया दो अक्सीजन दो यार में भी अच्छा है यहाँ पे हमारा वंडरलैंड आपने देखा होगा तो वंडरलैंड का भी बहुत अच्छा था थोड़ा सा हट के था मुंबई का थोड़ी सी ज़्यादा एडवेंचर थी। अभी हमने वहाँ पे वाटर हमारे पास टाइम की कमी थी हमने यहाँ पे गाइस मुझे दिख रहा है ना ये 3D है ये भी आ रहा है 3D तो यहाँ पे पूरा बताता है कि हम रियल दुनिया में पहुँचे हुए हैं क्या मजा नहीं आया उठाना नहीं एक मोटा सा पिग है और ना वो हम अपने ऊपर से ट्रेन निकल आ रहा है और गाइस ये जो है ना रात को सीलिंग कैसे दिखता है अच्छा बहुत ब्यूटीफुल है और गाइस हम और हमने रात को पहुंचने के बाद बहुत ज़्यादा थक चुके थे अपने होटल में भी देखिए ये थोड़ा सा जितना शूट है ये आपके लिए कर रहे हैं दोस्तों ये देखो अब नेक्स्ट वीडियो आपको एक और आएगी जिसमें हमारा सारा का सारा बने रहेगा।